नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीमती छाया चटर्जी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल छाया लिटिल किचन में। टुडे इज संडे, समथिंग स्पेशल स्पेशल ब्रेकफास्ट मसाला पूरी और आलू की सब्जी। लेट अस सी व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स वी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टुडेज ब्रेकफास्ट। पूरी और आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। मैं ये सिर्फ 3 जनों के लिए बना रही हूँ, तो ये 2 आलू है और ये 5 फोड़न। 5 फोड़न मतलब 5 स्पाइसेस हैं, जीरा, राई, मेथी, सौंफ, कलौंजी। 5 आइटम्स हो गए ना, जीरा, राई, मेथी, कलौंजी, सौंफ। इन पांचों को मिला के बनता है 5 फोड़न। ये 5 फोड़न तैयार करके रख लिया गया है, ये आलू की सब्जी के लिए है। और एक हरी मिर्च चाहिए आलू की सब्जी के लिए। एकदम टिपिकल ऑथेंटिक बंगाली स्टाइल बनेगा। यहाँ आटा है, रफली 2 कप लिया गया है, केवल 3 जनों के लिए बना रही हूँ। इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, पहले ये 1/2 टीस्पून सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून, मसाला पूरी है, मिर्ची पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट और कस्तूरी मेथी, थोड़ा हाथ से इसको क्रश कर लेंगे, थोड़ा और डाल देते हैं इतना, और फ्रेश कोरिएंडर लीव ये इसमें डालेंगे। इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अब इसमें पड़ेगा थोड़ा दही, थोड़ा सा दही पड़ेगा, 1 टेबल स्पून, और 2 से थोड़ा सा कम डाला है। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे रोटी या पूरी का आटा तैयार करते हैं वैसा तैयार कर लेंगे। बहुत पतला भी नहीं और बहुत सख्त भी नहीं, थोड़ा वैसे पूरी के लिए थोड़ा सा कड़ा ही आटा तैयार किया जाता है। इसे मैं अब थोड़ा थोड़ा पानी दे करके आटा गूंद लेती हूँ और आलूओं को छील करके तैयार करके आती हूँ। मल के रेडी हो गया, देखिए ऐसा होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट भी नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं। पूरियाँ बनानी है वैसे एकदम, इसको अब हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं तो अच्छी पूरियाँ बनती हैं। आलू छील के तैयार कर लिया है, धो करके इस तरीके से काटा गया है। मुझे लगता है आटा 3 जनों के लिए थोड़ा ज़्यादा होगा, नो प्रॉब्लम, बच जाएगा, कल इसी के पराठे भी बन जाएंगे। आलू छील के काट के तैयार कर लिया है, ये 5 फोड़न, हरी मिर्च और ये साधारण से मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर। गैस जला दिया है और इसमें मैंने 1 1/2 टेबल स्पून वाइट ऑयल डाला है। देख लेते हैं हमारा ऑयल गर्म है कि नहीं। ऑयल बहुत गर्म हो चुका है। अब इसमें ये 5 फोड़न और एक हरी मिर्च जो रखी थी उसको काट के वो दोनों डाल देते हैं। गल गया है, बहुत आसान सब्जी है और बहुत टेस्टी बनती है। अब इसमें आलू डालेंगे। आपने बहुत से आलू की सब्जी बनाई होगी, एक बार इसे भी बना के देखिए, कंप्लीटली बंगाली स्टाइल। इफ यू विल गो टू कैलकटा ऑन द स्ट्रीट साइड, छोटे छोटे दुकान होते हैं ना, वो लोग आलू की सब्जी और कचौरी तैयार करते हैं, रियली हेवन। इसको थोड़ा सा भून लेंगे और इसमें डालेंगे, इतना आलू है तो 1/2 टीस्पून, इतना नमक, दिस इज कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली बिकॉज वी ईट वेरी वेल, थोड़ा जीरा पाउडर, नो टमाटर, नो अन्य मसाले, प्याज नहीं है, अदरक नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, बट ट्रस्ट मी दिस विल बी वेरी टेस्टी। फ्लेम हाई है, अब इसमें पानी पड़ेगा,
पानी डाल देते हैं, देखते हैं पूरे आलू हमारे भीगने चाहिए पानी में। भीगने के उपरांत भी थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा ग्रेवी बनेगा, ये चेक कर लीजिए इतना आलू है। इतने आलूओं के लिए मैंने इस बड़े मग का इतना पानी डाला है। और आप क्या करिए, आप देख लीजिए कि आलू उसमें अच्छे से डूब रहे हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा है। आप कुकर को बंद करके 3 to 4 whistle अच्छी तरह इसको पकाना है, एकदम तेज फ्लेम पे 3 to 4 या 4 to 5 भी हम कर सकते हैं। 5 whistle होने के बाद में, ठंडा होने के बाद में, मैं इसे खोलकर दिखाऊंगी कैसा तैयार हुआ है। होने के बाद में कुकर ठंडा हो चुका है, लेकिन कुकर खोलने से पहले ही मैंने गैस जला के ऑयल रख दिया था पूरियों के लिए। अब कुकर खोलेंगे, कुकर खुल चुका, ठंडा हो चुका है। ये हमारी आलू की सब्जी है। अगर आपको लगे कि तरी थोड़ा मतलब पानी ज़्यादा हो गया, तो आप कुकर खोलने के बाद में हाई फ्लेम पे थोड़ा सुखा भी सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही बनता है ये। इसको फिर से ऐसा रख देते हैं। तेल हमने रख दिया था गर्म होने के लिए। आटा तैयार है और अब पूरियां तलेंगे। ये आटा तैयार है, इससे ऐसे छोटी छोटी लोइयां काट लेते हैं, मैंने 3-4 काट के रखी है। अब इसे बेलेंगे। सूखा आटा रखा है मैंने, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी ही पूरियाँ बनाएंगे इसकी। देख लेते हैं, ऑयल हमारा फ्लेम हाई है, ऑयल गर्म है। एक पेपर में, टिश्यू पेपर रख लेते हैं पूरियाँ निकाल कर रखने के लिए। ये हो चुकी गोल्डन ब्राउन, इसको निकाल लेते हैं। दूसरी पूरी डालेंगे। अगर कढ़ाई बड़ी हो तो आप 3-4 पूरियां एक साथ भी डाल सकते हैं। मैं भी अभी एक और डाल देती हूँ, देखते हैं। और इस तरीके से हम सारी पूरियों को तल लेते हैं, आलू की सब्जी भी निकाल लेते हैं। ये एकदम बढ़िया तैयार हो गई है पूरी। एक पूरी और डाल देते हैं इसमें। मेरी कढ़ाई जरा सी छोटी है, थोड़ी सी बड़ी होने से हम एक साथ 3-3, 4-4 पूरियां निकाल सकते हैं। एकदम बढ़िया पूरी, पूरी मसाले पूरी है ये। सो दिस इज माई संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट, मसाला पूरी, आलू की ग्रेवी वाली सब्जी, थोड़ा अचार रखा हुआ है मिर्ची का, दैट इज ऑल्सो होम मेड, एंड दिस वन इज चॉकलेट केक। दिस केक आई बेक्ड ऑन थर्सडे। बेकिंग शुड बी ऑलवेज डन वेल इन एडवांस सो वी कैन एंजॉय whenever we want. So today Sunday, we all will enjoy this. If you like my video, please share it, like it, prepare it, and wait for my next video. Till then, bye bye.